जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक सांपों का रिस्क्यू किया गया है, बहुत ही डेंजरस यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जहरीले सांप का रिस्क्यू किया गया है मुरली सर के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, काफी रोमांचक यह वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ये देखिए आप लोग थंबनेल में देख ही रहेंगे कितना बड़ा सांप है और बहुत ही खतरनाक, दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक सांप यही है जिन्हें कहा जाता है किंग कोबरा यानी कि सांपों का राजा, इन्हीं को कहा जाता है। यदि किसी को बाइट कर लेता है बाय द वे तो उनका बचना मुश्किल है, यदि आप समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका बचना मुश्किल है। तो दोस्तों यह सांप कहीं आपको दिखे तो इनसे कुछ दूरी आपको बनाना है, ना कि इनके पास जाना है। नहीं बाय द वे आपको कहीं बाइट कर लेते हैं तो आपका जो है बचना मुश्किल हो जाएगा यदि आप समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, यदि आपको यह सांप कहीं दिखे तो इनको आप मारिएगा मत, और जो भी आपके नजदीकी सर्प मित्र हैं यानी कि सांप को पकड़ने वाले हैं आप बुलवा करके इनको निकलवा लीजिए, फिलहाल दोस्तों इनको मारिएगा मत। तो दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह से मुरली सर ने रिस्क्यू किया है इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं किंग कोबरा। दोस्तों पहली बार देखने को मिल रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से दोस्तों फटाफट के अंदाज में आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से उत्तर प्रदेश जौनपुर सिटी से काफी दूरी पर ये दोस्तों उड़ीसा की पवन सरजमी है, और आइए आपको निकाल के दिखाते हैं कि सांप है कौन सा। दोस्तों जीवन के भाग दौड़ में कभी कभी दोस्तों गम के दिन भी देखने को मिलते हैं, हालांकि दोस्तों जो भी कुछ हूँ आज मैं आप लोगों की मोहब्बत है, तो दोस्तों नजर जमाए रखिएगा, निकाल के दिखाते हैं कि सांप है कौन सा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों लेते हैं दो चार दस मिनट का वक्त, प्लीज कम। दोस्तों ये इधर आप देख सकते हैं अगल बगल में चारों तरफ से ये पहाड़ी वादियाँ हैं, जंगल झाड़ियाँ हैं, और उसी के बगल में दोस्तों ये घर मकान खेत खलिहान घिरा हुआ है, और अंदर आइए। तो दोस्तों ये रहा पुराना का पुराना खंडहर, ऐसे घर में दोस्तों सांप नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, और ये दोस्तों उड़ीसा है, उड़ीसा में तो दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों सांपों का खजाना है, बहुत से रंग बिरंगे सांप से भरी हुई हमारी ये सरजमी, हमारा ये धरातल, हमारा ये पर्यावरण है, तो इसको बचाना दोस्तों अपने जीवन की प्रक्रिया, अपने जीवन की दिनचर्या से बनी हुई है। उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे भारत के बहुत से ऐसे स्नेक सेवर हैं, सर्प मित्र हैं, स्नेक एक्सपर्ट हैं, सभी को मैं दिल से सलाम करता हूं। आइए और उसी के अंदाज में दोस्तों ये काफी पुराना खंडहर सा है, आइए और करीब से आपको दिखाते हैं, लाजमी और करीब आइए और एक चीज आइए करीब से दिखाइए। यहाँ से दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं, ये है दोस्तों केचुली है दोस्तों ये सांप की, और ये केचुली को देख करके दोस्तों ऐसा अंदाजा लग रहा है जैसे ये सांप दोस्तों जो भी है वो किंग कोबरा जैसा ही है। ऐसा मंजर दोस्तों हमारे जिंदगी में पहली बार देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों और भी आप चीजें देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोस्तों ये हमको दर्शाता है कि यहाँ पर दोस्तों किंग कोबरा का आना जाना पहले से ही ऑलरेडी है। तो दोस्तों ये किंग कोबरा की केचुली हो गई है, ये उड़ीसा की पावन सरजमी है दोस्तों, इसी के जस्ट बगल में एक पहाड़ी भी है, और पहाड़ी के अगल बगल के गांव में दोस्तों ऐसे सांप अक्सर आते जाते रहते हैं। उसी सिलसिले में दोस्तों ये किनारे किनारे से बहुत सी चीजें बनी हुई है, और आप इसे देखते देखते आप दोस्तों एक का एक देख सकते हैं, वो कोने में दोस्तों किंग कोबरा सांप चढ़ रहा है, और इसे दोस्तों मैं रेस्क्यू करता हूँ, आपको निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये काफी बिग साइज का है, ऐसा मंजर दोस्तों जिंदगी में पहली बार हमारे हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये काफी बिग साइज का सांप है। दोस्तों इसकी लंबाई 10 फीट के आसपास है। दोस्तों ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है, इतने बिग साइज के सांप दोस्तों जल्दी देखने को नहीं मिलते, इसे दोस्तों हमारे भारत में किंग कोबरा दोस्तों इसे बोलते हैं। दोस्तों ये है सांपों का राजा, इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 8 से 10 फीट के आसपास है। दोस्तों इतना बिग साइज का हमारी जिंदगी में पहली बार रेस्क्यू हुआ है ये सांप।
दोस्तों इसे आप देख करके समझ सकते हैं। और हाँ जी दोस्तों ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है, इसे आप देख के समझ सकते हैं। दोस्तों जब ये गुस्सा होता है तो काफी फूंक मारता है। चलिए दोस्तों इसे बाहर की तरफ निकालते हैं। दोस्तों इसे देखकर कि यकीन नहीं होता हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बिग साइज का इंडियन किंग कोबरा दोस्तों पहली बार देखने को मिल रहा है। किंग कोबरा दोस्तों पहली बार देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों इसे बाहर निकालते हैं और लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप माफी नहीं कीजिएगा। दोस्तों इसे आप देख करके समझ सकते हैं, ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा सांप है। दोस्तों इसी को किंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं। वैसे दोस्तों ये सांप बहुत ही तेजी से चलता है और बैक भी होता है। दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं। इसका तो दोस्तों पसंदीदा जो भोजन है वो है इंडियन रेड स्नेक। कभी कभी दोस्तों ये चेकर्ड कील बैक को भी अपना भोजन बना लेता है। दोस्तों यही एक ऐसा सांप है जिसे हम किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों एक ऐसा सांप है जो दिल की धड़कन को नापता है। और मैं ये चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो को देख करके आप कॉपी नहीं कीजिएगा। इनको दोस्तों पकड़ना, इन्हें जंगल में रिलीज करना बहुत ही प्यारा सा सांप है। और ऐसे में दोस्तों मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा, इन विद्वानों को जब भी आप देखिए तो प्लीज हमारे भारत के जितने भी स्नेक एक्सपर्ट हैं, सर्पमित्र हैं, रेस्क्यूअर हैं, उनको आप याद कर सकते हैं, इसे मारा ना जाए। दोस्तों इसके फन को दोस्तों आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर होता है। दोस्तों इसके बारे में मुझे बहुत जानकारियां नहीं है, जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। ये कम से कम 4 हाथियों की भी मौत की नींद ये सुला सकता है जो इसके अंदर जहर है। इसे देख के दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके हुड, इसके फन को। ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ता है और पंछियों के अंडे बच्चे घोंसलों को भी ये खाता रहता है, अपना निवाला बनाता है। चलिए दोस्तों इसे हम बाहर लेके चलते हैं। दोस्तों ये अपने आप से बैक होता है। इसे देख दोस्तों देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं, ये बहुत ही गुस्से में रहता है, बहुत तेजी से बाइट करता है। दोस्तों तो दोस्तों वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई अब मैं इसे चाहता हूँ दोस्तों पैक करने के लिए। दोस्तों कभी भी हादसा हो सकता है। Okay.
दोस्तों वैसे इसका हेड तो कैच नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे भारत का काफ़ी बिग साइज का किंग कोबरा है। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, आप करेंगे तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। इसे दोस्तों आप एक बार देख लीजिए कितना लंबाई है इसकी, फिर दोस्तों इसको मैं पैक करता हूँ। तो इस तरीके से इन बेजवानों को इसमें पैक करना, ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक काम है। इस वीडियो को देख करके दोस्तों कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हम इसको पैक कर दिए। किंग कोबरा ये हमारी ज़िंदगी में पहली बार इसका रेस्क्यू हुआ और काफ़ी मेहनत हुई। दोस्तों घर काफ़ी जर्जर था, पुराना हो चुका था। तो दोस्तों नाम हौसला बनाने के लिए, हौसला रखने के लिए बहुत कुछ करना है। जैसे दोस्तों पानी के ऊपर पानी से पानी लिखना है, कितना कठिन होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मज़ा तो दोस्तों तब आता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों इतनी मेहनत होती है, भाग दौड़ होता है, आप लोगों से गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे दोस्तों हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो में इतना है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ दिखाते हैं किस तरह से मुरली सर ने सांपों का रेस्क्यू करते हैं। इस वीडियो में आपने देख लिया होगा दोस्तों बहुत ही खतरनाक सांप है, यदि किसी को बाइट कर लेता है तो उनका बचना मुश्किल है, यदि वो समय से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए तो उनका बचना मुश्किल है। तो दोस्तों यदि आपको कई ये सांप दिख जाते हैं इनसे आपको बहुत दूरी बनाकर रहना है, ना कि इनके पास जाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा किसी सांप को पकड़ने के लिए, नहीं तो हादसा हो सकती है। ये तो जान ही रहे होंगे किंग कोबरा सांप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, यानी कि सबसे जहरीला सांप, यदि किसी को बाइट कर ले तो बचना मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ दिखा दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को जोर दबाएगा दोस्तों ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं अगली न्यू टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।